द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अभी तक तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, काउंटिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे आंकड़ों को जारी करने को लेकर। लेकिन अब एक और सवाल तेजी से गूंज रहा है। दवायर की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को जिस हवाले से प्रस्तुत किया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कैसे जो पुलिस वर्कर्स जो काम करते, जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं, उनका वोट उनकी स्वेच्छा से नहीं बल्कि कप्तान साहब की स्वेच्छा से डलवाया जा रहा है, क्योंकि उन सब के वोटर आईडी कार्ड सब कुछ दस्तावेज जो है वो एसपी कार्यालय में जमा करा लिए जाते हैं। ये साफ तौर पर कहना है। आप देखिए, दवायर की एक रिपोर्ट आई है कि हरियाणा पुलिस, ये हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा पुलिस संगठन के अध्यक्ष का दावा है कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा डाक मत पत्र से किया गया मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि उनके फॉर्म, आधार कार्ड और वोटर आईडी एसपी कार्यालय में जमा करवा लिए गए थे। अब जब एक जगह वो सबको सबमिट हो रहा है तो ये कह देना कि नहीं वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है तो ये संभव तो नहीं है। इसका मतलब है कहीं कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है और उस खेल के आधार पर आगे काम किया गया है, ये निष्पक्ष इलेक्शन तो नहीं है। अब इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी तक तो भैया चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था ही, लगातार एक के बाद एक, कभी शिकायत पर कार्रवाई न करना, ईवीएम को लेकर सही तरीके से लोगों के बीच सही संदेश ना पहुंचाना, जो निष्पक्षता है उसको लेकर कठोर कदम ना उठाना, फिर आंकड़े जारी करने में विलंब करना और जब आंकड़े जारी करना तो उसमें बढ़ोतरी हो जाना, इन सभी चीज़ों को लेकर जो लबोलबाब निकल रहा था वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा था। एक जगह तो ये भी हुआ कि जैसे चुनाव से पहले जो जो मतदान देने वाले लोग होते हैं वो घर से नहीं निकल पाते, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, चल नहीं पाते, तो उनका वोट उनके घर में ही डलवाया जाता है। इसको लेकर भी एक वीडियो जारी हुआ था, एक शख्स ने एक वीडियो बना के डाला था, बताइए ना कोई सीलिंग पैकिंग है, कैसे ये वोट मान्य होगा, कैसे नहीं होगा, वीडियोग्राफी भले ही कराई जा रही लेकिन अपने आप में सवाल उस समय भी खड़ा हुआ था। तो एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास शायद नहीं। दवायर की रिपोर्ट है कि हरियाणा पुलिस संगठन की चुनाव आयोग से शिकायत, बिना मोहर का पोस्टल बैलेट फॉर्म 12 जमा करवाए। हरियाणा पुलिस संगठन के अध्यक्ष दिलावर सिंह का दावा है कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र से किया गया मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि उनके फॉर्म, आधार कार्ड और वोटर आईडी एसपी कार्यालय में पहले ही जमा करवा लिए गए थे, यानी पहले से ही पूरी प्लानिंग हो गई थी कि हाँ इस आधार पर काम करना है और जमा करवा के फिर उसी आधार पर वोट डलवा दिए गए होंगे। तो ऐसे में ये कह देना कि नहीं निष्पक्षता से ये वोटिंग हुई है तो फिर सवाल तो खड़े हो जाएंगे, भैया निष्पक्षता से कैसे हुई है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपना वोट खुद करेगा, उसके मतदान में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। आप बाहर उसका ब्रेन वॉश कर सकते हो लेकिन अंदर जब वो बटन दबाने जाता है तो वो स्वयं दबाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरीके से अगर ये खेल हुआ है हरियाणा पुलिस द्वारा तो ये सवाल तो है कि किस तरीके से शासन प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा, क्या कार्रवाई करेगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मामला गंभीर है। हरियाणा पुलिस संगठन का दावा है कि उनके हजारों वोटों की चोरी हो गई है, उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान से वंचित किया गया है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान हुआ था। वर्तमान और पूर्व पुलिसकर्मियों के संगठन एचपीएस के करीब 50,000 सदस्य हैं। संगठन ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत कर उनके वोट चुराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आरोप क्या लगाया ये जरा समझ लीजिए। मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आमतौर पर डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान करते हैं। दवायर से बातचीत में एचपीएस के अध्यक्ष दिलावर सिंह ने डाक मतपत्रों में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन द्वारा हेरफेर किए जाने की आशंका जताई है। सिंह ने कहा, मानक अभ्यास ये होना चाहिए कि फॉर्म 12 में हम अपनी पूरी जानकारी भरें और चुनाव में खड़े उम्मीदवार या चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालें। पता होता है कि फॉर्म 12 चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का एक औपचारिक आवेदन है। एचपीएस अध्यक्ष दिलावर सिंह का आरोप है कि पुलिसकर्मियों को स्वयं वोट डालने की अनुमति देने के बजाय उन्हें अपने अपने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय या जिला पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया और फॉर्म नंबर 12 में पूरी जानकारी भरने के लिए कहा गया। इसके बाद फॉर्म को बिना मुहर लगे मतपत्रों के साथ जमा करने का निर्देश भी दे दिया है। अब देखिए, ये देखिए जो कहा गया है, ये आया बैलेट पेपर संबंध में सही विवरण भरकर देने के बारे में। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा,
इसमें लिखा है कि जैसा आपको आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है तथा हरियाणा में मतदान दिनांक 25/5/2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान हेतु ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के पोस्टर बैलेट जारी किए जाते हैं। इस विषय में ध्यान रखते हुए आप व आपके अधीन तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सूचित करें कि वे अपने मोबाइल फोन से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने वोटर कार्ड ईपीआईसी नंबर की सहायता से चुनाव फॉर्म नंबर 12 में भरी जाने वाली डिटेल प्राप्त करके विधानसभा क्षेत्र नाम व संख्या निर्वाचन नामावली के भाग संख्या क्रम संख्या के साथ संलग्न फॉर्म नंबर 12 को पूर्ण रूप से भरकर इसके अलावा पुलिस कर्मचारी का नाम पद बेल्ट नंबर मोबाइल नंबर व नियुक्ति का तथा अपने वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रत सहित इलेक्शन सेल नरनौल कार्यालय पुलिस अधीक्षक नारनौल में कल दिनांक 14/5/2024 को दोपहर 12 बजे तक के भिजवाना सुनिश्चित करें, इसे अति आवश्यक है। तो राज्य चुनाव आयोग को जो शिकायत भेजी गई है उसमें क्या क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। एचपीएस ने राज्य चुनाव आयुक्त को एक शिकायत भेजी जिसमें आरोप है कि पुलिसकर्मियों के वोटों को लूटा जा रहा है। शिकायत ये भी है, आरोप है कि 2019 के आम चुनाव में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के बीच मिलीभगत थी। उनकी शिकायत में कहा गया है कि हरियाणा के डीजीपी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को अपने फॉर्म और विवरण उस पुलिस कल्याण विभाग में जमा करने का आदेश दिया जो चुनाव प्रकोष्ठ के रूप में भी काम करता है। ये पुलिस विभाग का जो संगठन है वो 45 साल पुराना है। एचपीएस का गठन साल 1979 में हुआ था। दावा है कि राज्य पुलिस से सेवानिवृत्त और कार्यरत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षकों में से 50,000 संगठन के सदस्य हैं। सिंह ने कहा कि 2019 में भी पुलिसकर्मियों का डाक मतपत्र वोट करने का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, यही वजह रही कि इस बार पुलिसकर्मियों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। सिंह ने कहा कि हमें अपने फॉर्म, आधार कार्ड और वोटर आईडी एसपी के कार्यालय में जमा करवाने पड़े, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान नहीं है। इस बार अकेले रोहतक जिले में 2,125 पुलिसकर्मियों में से केवल 148 ने मतदान किया, बाकी ने मतदान ना करने का फैसला किया। जब एसपी कार्यालय उनके कागजात लेकर खुद ही सब संभाल रहा है तो वे मतदान क्यों करेंगे। इससे पहले मई 2024 में एचपीएस ने चुनाव अधिकारियों से सुनिश्चित करने की अपील की थी कि ड्यूटी के दरमियान तैनात सभी पुलिसकर्मियों का फॉर्म नंबर 12 की प्रतियां व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएं और उन्हें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में वोट डालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी उपस्थिति में कई पुलिसकर्मी मतदान नहीं कर पाते। अपनी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने महेंद्रगढ़ एसपी द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिस के प्रति भी संलग्न की है जिसमें पुलिसकर्मियों को सामूहिक रूप से फॉर्म नंबर 12, अपना विवरण और मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां एसपी कार्यालय में चुनाव प्रकोष्ठ में जमा कराने का निर्देश दिया है। अब संपर्क करने पर एसपी हर्ष वर्मा ने दावा किया कि पत्र नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। राज्य चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष लोहान ने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायत के बारे में जानकारी नहीं है, मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद वो इस पर गौर करेंगे। अब क्या गौर किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस तरीके से अगर धांधलीबाजी हो रही है, इस तरीके से पुलिसकर्मियों के वोटों के साथ बड़ा खेल हो रहा है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि ऐसे तो चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और हर जगह कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। ये शिकायत सामने आई तो चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं, शिकायत ना होती, इस पर संज्ञान ना लिया गया होता तो ये मामला भी दबा रह जाता। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। लाइव टीवी सच सबसे आगे।